हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है संदीप ज्ञानी यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन लेके आए हैं। और ये जो नोटिफिकेशन जो निकल रहा है वो रक्षा मंत्रालय से निकल रहा है, यानी कि डिफेंस से ये जो है वैकेंसीज निकल रही है, जिसमें आपको मजदूर की पोस्ट मिल रही है, सफाई वाला की पोस्ट मिल रही है और गार्ड की यहाँ वैकेंसीज मिल रही है। अभी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इंडिया को लॉकडाउन किया है और लॉकडाउन का आज सातवां दिन है, और इसको देखते हुए काफ़ी सारी वैकेंसियों को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन ये जो वैकेंसीज है, इसका नोटिफिकेशन 23 मार्च को प्रकाशित हुआ था। 23 मार्च को इसका नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ, लेकिन विभाग का क्या कहना, इस भर्ती प्रक्रिया को स्थगित नहीं किया है और इसका फॉर्म जो है वो डेट बढ़ा दी गई है। ये फॉर्म जो है 15 मई तक भरा जाएगा, 15 मई तक इसके फॉर्म भरा जाएगा और हमारी जो लॉकडाउन की स्थिति है वो बंद होगी, यानी कि लॉकडाउन खुलेगा उस दिन 14 अप्रैल की तारीख है। तो आप ही 15 अप्रैल को ये फॉर्म भर सकते हैं, ये जो अभी हम आपको फॉर्म बता रहे हैं मजदूर सफाई वाला गार्ड के लिए, और इसमें 8वीं पास फॉर्म भर सकते हैं और सभी राज्यों के स्टूडेंट्स फॉर्म भरेंगे। सैलरी की बात करें तो सैलरी 18,900 प्लस जीपी आपको 1800 मिल जाएगा, यानी ग्रेड पे आपको इसमें 1800 मिल जाएगा। ये महिला पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन आपको अप्लाई कर देना है। एग्ज़ाम फीस जो रखी गई है वो 100 रुपये आप लोगों को देनी है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फॉर्म भर देना है। अभी जो है लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में आपको घर में ही रहना है। अब हम आपको इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो दिखा देते हैं। तो अभी देख सकते हो जो इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 15 मई 2020 रखी गई है, 15 मई 2020 रखी गई है, और 15 अप्रैल यानी 14 अप्रैल को लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है। तो आप 15 या 16 तारीख तक ये फॉर्म भर देना। इस फॉर्म को याद रखना है आपको कि जो डिफेंस में एक जॉब निकली थी संदीप ज्ञान पे बताई गई थी, या आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो और फॉर्म भर देना। इसके साथ साथ हम आपको पोस्ट डिटेल्स वाइज बता देते हैं कि कितनी पोस्ट आप लोगों को मिल रही है, कितना वेतन आप लोगों को मिल रहा है। जो प्रथम बात करेंगे 8वीं पास के लिए, तो 8वीं पास के लिए जो भी वैकेंसीज निकल रही है, तो प्रथम वैकेंसी 8वीं पास के लिए पॉइंट नंबर 8 पे मिल रही है, सफाई वाला की वैकेंसी आप लोगों को मिल रही है। यहाँ वेतन मिलेगा 4900 से लेके 10,680 रुपये, ग्रेड पे 1300, यानी कि प्रारंभिक वेतन आपको यहाँ जो है देखने को मिल रहा है। इसके साथ नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ विलमैन की वैकेंसीज मिल रही हैं, ये भी 8वीं पास के लिए हैं, ये भी आप डिटेल्स देख सकते हो। अलग अलग वैकेंसीज़ की डिटेल्स आप लोगों को बताई गई है। इसके साथ यहाँ नेक्स्ट वैकेंसी 6 नंबर पे आपको मजदूर की मिल रही है, मजदूर के लिए भी वेतन 4900 से लेकर 10,680 रुपये, ग्रेड पे की यदि हम बात करें तो 1300 ग्रेड पे मिल जाएगा। यदि टोटल अमाउंट जोड़ के इसमें आपको कितना पेमेंट दिया जाएगा वो आप यहाँ देख सकते हो, 10,680 रुपये आपको इसमें पेमेंट मिल जाएगा। एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसीज आपको मिल रही है, ये जो वैकेंसीज है 10वीं पास से स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो वैकेंसीज है, 3 प्रकार की वैकेंसी, जिसमें सफाई वाला से लेके मजदूर जो वैकेंसीज है वो 8वीं पास के हैं, और इसके साथ साथ गार्ड की वैकेंसी भी आपको मिल रही है, गार्ड के लिए 10वीं पास रखी गई है, और इसके साथ साथ फायरमैन की वैकेंसी भी मिल रही है, फायरमैन की भी यहाँ वैकेंसीज आपको मिल जाएगी। अब हम आपको इसका सीधा फिजिकल दिखा देते हैं कि फिजिकल किस प्रकार का होगा। तो अभी देख सकते हो इसमें अलग अलग वैकेंसी के जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बताई गई है। यहाँ फायरमैन के लिए 10+2 है, 10+2 के साथ साथ आपकी यहाँ हाइट 165 सेंटीमीटर रखी गई है। चेस्ट की बात करें तो 80 सेंटीमीटर टू 85, और इसके साथ जो आपकी आँखें हैं वो 6x6 होनी अनिवार्य है, वेट आपका 52 kg होना अनिवार्य है। यदि हम गार्ड की बात करें तो गार्ड में भी 10+2 रखी गई है, और यहाँ इसमें अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, और इसके साथ साथ हाइट क्या रखी गई है, गार्ड की जॉब में हाइट रखी गई 165 सेंटीमीटर, और इसके साथ यहाँ अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग अलग पोस्ट की आपको यहाँ मिल जाएगी। जैसे कि सफाई वाला के लिए रखी गई है 8वीं पास, और इसके साथ मजदूर के लिए भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8वीं पास रखी गई है। यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो पर बने रहें, कैसे आपको नौकरी प्राप्त करनी है कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। उम्र सीमा की यदि हम बात करें तो 18 से लेकर 25 वर्ष रखी गई है जनरल की, SC ST OBC को 3-5 साल की छूट मिलेगी। यहाँ अलग अलग इसमें बताई गई है, सफाई वालों के लिए उम्र कितनी है,
मजदूर के लिए उम्र कितनी रखी गई है वो आप यहाँ देख सकते हो। इसके साथ साथ सिलेक्शन प्रोसेस की यदि हम बात करें तो सिलेक्शन किस प्रकार का होगा वो भी आपको यहाँ अलग अलग जो है माध्यमों के यहाँ बताया गया है, सारणी बना के बताया गया है कि किस प्रकार आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे मेन बात है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो अभी फ्रेंड्स इसका फॉर्म आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भरना है, जो अभी ये ऑफिशियल वेबसाइट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, www.cantonotbotrecruitment.org। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है, जाने के बाद जो है फॉर्म भर देना है। फॉर्म की लास्ट डेट विशेषकर याद रख लेना 15 मई रहेगी, 15 मई तक फॉर्म भर देना है। इस 14 अप्रैल के बाद भी आपको इसमें काफ़ी समय मिलेगा, तो यहाँ एक बड़ी वैकेंसीज है कैंटनॉट बोर्ड से, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 14 या 15 मई इसकी लास्ट डेट रखी गई।